देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। यह महंगाई कृत्रिम है और इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण ही यह सभी संकट पैदा हुए हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में सड़क पर उतरकर जन जागृति करने का निर्णय किया है। रविवार को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में इस जन जागृति अभियान की शुरुआत हुई। नागपुर में देवरिया कांग्रेस भवन में पंचायत जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन कर अभियान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान कांग्रेस के महासचिव और वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, प्रदेश अध्यक्ष विधायक नाना पटोले, शहर अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, नागपुर के प्रभारी वीरेंद्र जगताप, विधायक एडवोकेट अभिजीत बंजारी, दिलीप सानंदा, पूर्व मंत्री अनीस अहमद, महासचिव विशाल मुत्तिमेवार, उमाकांत अग्निहोत्री, अतुल कोटेचा, सचिव संजय महाकालकर, संदेश सिंगलकर, डॉक्टर गजराज हटेवार, प्रशांत धवर, रमन पेगवार, महिला अध्यक्षा प्रज्ञा बड़वाईक आदि उपस्थित थे। 29 नवंबर तक यह जन जागृति अभियान चलाया जाएगा। इसमें ब्लॉकवार, वार्डवार, प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इतना ही नहीं, नागरिकों के घरों में जाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों से महंगाई कैसे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, इस बारे में जन जागरण किया जाएगा। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संवाद भी साधा। केंद्रातलं मोदीचं जे सरकार आहे ते झोपी गेलेलंचं सोंग करते आहे। देश विकण्याचं काम त्यांनी चालू केलं, संविधानिक व्यवस्था मोडकळीस काढल्या आणि अशा या परिस्थितीमध्ये आजपासून तर येत्या 29 तारखेपर्यंत महाराष्ट्रातल्या सगळ्या गावागावामध्ये मोदी सरकारचं काळामध्ये झालेलं सगळं देशाबद्दलची जी काही वाईट प्रवृत्ती ठेवून देश विकण्याचं काम त्यांनी केलं, या सगळी माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या अभियानाच्या माध्यमातून होणार आहे। आणि आम्हाला विश्वास आहे की लोकशाहीमध्ये जनता ही मोठी असते, पण आज मोदी सरकार आणि भाजप हे जनतेपेक्षा संविधानिक व्यवस्था मोडून सत्ता काबीज करून देश विकण्यामध्ये त्यांचा आनंद आहे। आणि या सगळ्या गोष्टीचं माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवणं हाच या अभियानाच्या मागचा उद्देश आमचा। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।